तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? तू ये समझ ले कि आज से तेरा खुलेआम घूमने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद। मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है कि मैं आज तुझे अगर मेरे डैडी को पता चल गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे किस डैडी की बात करती है तू? तेरे उसी डैडी का आज मैं दामाद बनने जा रहा हूँ और कोई भी ससुर अपने दामाद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाथ कौन लगाना? अरे हाथ कौन लगा रहा है, मैं तो होठ लगाऊंगा। दे मुझे। आजा मेरी जान। कमीने छोड़ दे मुझे। आज तू बच नहीं पाएगी। छोड़ दे कमीने। अंकल ये क्या कर रहा है? अंकल देखो मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था। रानी बेटी मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। मैं गीता से तेरी शादी का चक्कर चला रहा हूँ और तू तू उसे अपनी औकात दिखा रहा था। अरे डैड वो गीता प्यार से काबू में नहीं आएगी। आएगी जरूर आएगी, इस घर की बहू बनकर प्यार से, समझे? गीता बेटी ये बात यही खत्म कर दो, अगर ये बात घर के मर्दों तक पहुंच गई तो खून खराबा हो जाएगा बेटी। ना बेटी ना। सर आपने मुझे याद किया? हाँ इंस्पेक्टर खान, अभी अभी मुझे पता चला है कि चौधरी रणबीर सिंह ने कमों की आंखों के सामने उसके पति को जिंदा जला दिया और कमों का बलात्कार किया, जिसकी वजह से मजबूरन उसे डाकू सुल्ताना के गिरोह में शामिल होना पड़ा। सर ये आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है। इंस्पेक्टर खान अगर ये बात सच निकली माइंड इट तो मैं तुम्हें तुम्हारे उदय से डिसमिस नहीं करूंगा, बल्कि दीपू के कत्ल की साजिश में दफा 302 के तहत तुम्हें गिरफ्तार करवा के मुजरिमों के बारे पूछताछ करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। माइंड इट। सर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। एट लास्ट। और अगर ऐसी नौबत आई तो? ऐसी नौबत आई तो मैं कमिश्नर और कम्बो दोनों को खत्म कर दूंगा। कम्मो किसी निहत्ते पर हाथ नहीं उठाती इंस्पेक्टर खान। यही वो जगह है कमीने, जहां पे तेरी साजिश से चौधरी ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। नहीं। और मेरी इज्जत आबरू को राख में मिला दिया था। मुझे माफ कर दे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे कमो। तेरी माफी तो तेरी मौत है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, वो कमो ने इंस्पेक्टर का कत्ल कर दिया। हर वक्त बकवास ना किया कर। नहीं चौधरी साहब मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो गांव के बाहर चौराहे पर उसकी लाश देख लीजिए। इंस्पेक्टर की लाश? इंस्पेक्टर राजू तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी को परखने के लिए डीजीपी साहब ने तुम्हें तुम्हारे गांव का थाना इंचार्ज बनाने का फैसला किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने काम को बड़ी वफादारी से अंजाम दोगे। यस सर। सर सरकार ने मुझे मेरे इलाके का इंचार्ज बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सर जब मैं अपने गांव वर्दी पहनकर जाऊंगा तो गांव वाले बहुत खुश होंगे, मेरे माँ बाप को बधाइयाँ देंगे, कहेंगे
दीपू का बेटा वर्दी में कितना खूबसूरत लग रहा है, और मेरी माँ, मेरी माँ तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी सर, और राजू कहकर सीने से लगा लेगी। राजू, ये डाकू कमों की तस्वीर है। सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने पहले कमो एक साधारण शरीफ और भोली भाली लड़की थी। कुछ गुंडों ने मिलकर कमो की आंखों के सामने कमो के पति को जिंदा जला दिया। उसके बाद कमो का बलात्कार किया, इज्जत लूटी। अब कमो को मजबूरन अपनी जान के बचाव के लिए डाकू सुल्ताना के गिरोह में शामिल होना पड़ा। सबसे पहले जब कमो डाकू बनी तो उसने इंस्पेक्टर खान को भी कत्ल किया। लेकिन राजू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी श्योर दैट तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे बड़ी ईमानदारी से निभाओगे और बहुत जल्दी डाकुओं के गिरोह को हमारे सामने लाओगे। सर, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। यस राजू, मुझे पूरा विश्वास है। बेस्ट ऑफ लक। मेरी प्यारी माँ। क्या बात है बेटा? माँ, एक बात बता, तू तो गांव वालों को दूध में डालकर क्या पिलाती है कि सारे गांव वाले तेरी तारीफ करते नहीं थकते? कहते हैं कम्बो दिल की बहुत अच्छी है। क्या बात है राजू, आज बहुत मस्का लगाया जा रहा है। अरे माँ, माँ मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोल ना बेटा। डरता हूँ कहीं तू बुरा ना मान जाए। मैंने कभी तेरी किसी बात का बुरा माना है? जो अब मानूंगी पगला कहीं का। मेरी कसम। तेरी कसम। अब बता। मां, मैं ठाकुर रंजीत सिंह की बेटी से शादी। ये तुमने मुझसे कैसा वादा ले लिया बेटे? रास्ते की धूल कभी माथे का चंदन नहीं बन सकती। मां, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मां, नहीं रह सकता। मां, ठीक है बेटे, अगर तू इतनी जिद करता है तो मैं तेरी शादी गीता से जरूर कराऊंगी, लेकिन पहले तो इंस्पेक्टर तो बन जा। तू उसकी चिंता मत कर माँ, 2-4 दिन में नौकरी की चिट्ठी आने ही वाली है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुन बेटा, इस बात का जिक्र अपने बापू से मत करना। तू उसकी चिंता मत कर माँ, मैं गीता के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, जैसा तू कहेगी माँ मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा माँ। लेखा ले। अरे बेटे राजू, तुम मुस्कुराता हुआ कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं पिताजी, एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी घर आ जाना। ठीक है पिताजी। हाँ, राजू की माँ। राजू हंसता हंसता चला गया, और तू किस सोच में डूबी है? मैं सोच रही थी राजू के बापू कि क्यों ना इस घर में बहू ले ही आए। अरे पहले राजू को थानेदार तो बन लेने दो। पोस्टमैन। अरे आए भाई, आए हम आए। दीपू, आपकी सरकारी चिट्ठी आई है। सरकारी चिट्ठी? हाँ। अरे ताराचंद, चिट्ठी तो तुम ले आए, इसको पढ़कर भी सुना दो। दीपू, बधाई हो बधाई, लड्डू खिलाओ लड्डू, आपका राजू पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है। अच्छा? हाँ, सरकारी ट्रेनिंग के लिए बुलाया उन्हें। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, ये लो 100 का नोट, खुद मिठाई खाओ और घर वालों को भी खिलाओ। अरे राजू की माँ, अरे राजू की माँ, हमारा राजू थानेदार बन गया। We'll be right back.
मनाओ, आओ सारे खुशी मनाओ, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया। घर घर में दिए जलाओ, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया। बरसों से तमन्ना थी थानेदार बनाऊंगा, बरसों से तमन्ना थी थानेदार बनाऊंगा। बेटे के कंधों पे मैं स्टार लगाऊंगा, मैं नाचूं खुशी मनाऊं, दारू पी के शोर मचाऊं, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया। जो नफरत करते थे सीने से लगाएंगे, जो नफरत करते थे सीने से लगाएंगे। अब दुश्मन भी अपने साथी बन जाएंगे, मस्ती में झूमू गाऊं, सारे जग में शोर मचाऊं, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया, कि मुंडा थानेदार हो गया। मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आंच ना।